तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, पिछली बार की वीडियो में आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो पीटर सिटी में आ चुके थे, जो सिटी हार्ड स्टोन की सिटी थी। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक जिम है जिसका लीडर है ब्रॉक। तो दोस्तों, ब्रॉक से हमारा इस टाइम मैच होने वाला है और शाम हो चुकी है इस टाइम पर। और मैंने अपने पॉकीमॉन को पूरी तरीके से ट्रेन भी कर लिया है। मैंने अपने तीनों पॉकीमॉन को ट्रेन कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके। तो दोस्तों, जो पिछली अभी ट्रेनिंग करते समय मेरा जो कैटरपी था वो मेगापॉड में इवॉल्व हुआ, मेगापॉड के बाद बटरफी में इवॉल्व हो गया, और फिर जो हमारा पीजी था वो पिजियोटो में इवॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, हमारे पास अभी इस टाइम पॉकीमॉन बहुत सही है। और जो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो जिम है यहाँ का लीडर ब्रॉक है, और जो गैरी, जैक और जॉनसन और एश, दोस्तों चार जने जो निकले थे पॉकीमॉन के ट्रिप पे निकले थे, पूरी पॉकीमॉन की जर्नी पे निकले थे। और जिसमें से तीनों लोग यहाँ के जिम को जीत चुके हैं, यहाँ के बैच को जीत चुके हैं। तो यहाँ पे बस अब मेरा नाम लिखवाना रह गया है, तो एश का नाम लिखवाना रह गया है। तो यहाँ पे चल रही है मैच करते हैं हम ब्रॉक से। दोस्तों चलिए, इसने अपना ऑनिक्स निकाला है, तो मैं अपना सीधे सीधा मैच करने वाला हूँ अपने क्या नाम है पिकाचू से। तो यहाँ पे स्लैम सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ। स्लैम इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है। थंडर वेव देखिए, यहाँ पे पैरालाइज कर दिया है मैंने, और फिर थंडर वेव से पहली पैरालाइज है। ओ नो, दूसरी बार मेरी थंडर वेव भी लग गई, और यहाँ पर ये काफ़ी हद तक कारगर है। और ये यहाँ पे मैंने ऑनिक्स को हरा दिया है यहाँ पर, लेकिन ये कह रहा है कि यू आर नॉट अ पावरफुल इनफ टू चैलेंज मी, कम बैक व्हेन यू आर फॉरेन। दोस्तों, इसने यहाँ पे मुझे को कह दिया है कि तुम इतने स्ट्रॉन्गर नहीं हो जो मैं तुमसे मैच करूँ, मेरे ये खिलाफ़ है, मैं तुमसे मैच करना चाहता हूँ। तो पर लेकिन यहाँ पे एक बुढ़े अंकल मिले जिनका नाम है फ्लिंट, और वो कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ आओ। तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ सिंपली, और ये कह रहे हैं कि ये ब्रॉक बहुत अच्छा इंसान है, जिम लीडर है, उसकी 9 छोटे भाई बहन हैं, वो चैम्पियनशिप जीतने नहीं जाता, मतलब जैसे कि मतलब जो आगे जाते हैं जिम्स में बड़े बड़े, वो सिर्फ जिम का लीडर इसलिए बन के रहता है यहाँ पे, उसलिए पैसे इससे पैसे कमाता है और अपने भाई बहन का पेट भरता है। सिंपली यहाँ पे अब मेरे को मैच करना है फिर से जाके ब्रॉक से। तो ब्रॉक से अब इस बार यार बहुत तगड़ा मैच करना है मेरे को। तो ये कह रहा है ये फालतू की बात, लेट्स बिगिन। इस बार इन्हें जियो डूड को चुना, तो मैं भी सोचता हूँ अपना पॉकीमॉन इस बार चेंज करता हूँ। मैं बटरफी निकालता हूँ अपना, तो बटरफी वर्सेस जियो डूड। तो यहाँ पे मैं स्टैम स्लीप पाउडर छोड़ता हूँ इस पर। तो ये भाई साहब सो चुके हैं, तो अब मैं अपना पॉकीमॉन चेंज करता हूँ। पॉकीमॉन चेंज करने के लिए मेरे को चाहिए यहाँ पे इस टाइम पिजियोटो, तो मैं पिजियोटो को चुनता हूँ, क्योंकि अब मैंने इसको बटरफी को स्लियर कर रखा है, क्योंकि मैं किसी पॉकीमॉन को इससे आराम से सुला सकता हूँ। तो और सिंपली अब मुझे बस टैकल या कोई भी अटैक करके इसको हराना है। अब ये जग चुका है यहाँ पे, बस उससे पहले इसकी लेवल बहुत ज़्यादा, मतलब जो इसकी पावर है एचपी बहुत ज़्यादा कम कर चुके हैं, और यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे इसके भाई भाई आ चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे भाई, मतलब जो उसकी भाई बहन है सब आ चुके हैं, और जो कह रहे हैं लेट्स लीव ऑनिक्स अलोन, आवर ब्रदर वर्क हार्ड टू राइज इट्स बींग। तो ये ब्रॉक भी हमसे मैच कर रहा है, तो ब्रॉक का मैच फिर से हुआ है, तो ऑनिक्स वर्सेस ब्रॉक, ऑनिक्स का फिर से मैच हो चुका है। यहाँ पे मैं थंडर वेव दे दिया है, और फिर से मैच करते हैं इससे। इस बार तो नहीं छोड़ूंगा यार मैं, इसने दूसरी बार लड़वा दिया मेरे को इससे, और ये इस बार तो यार मेरा पिकाचू ही हार गया। चलो कोई नहीं, पर लेकिन मैं इसे हरा के चलूँगा गस्ट। और यहाँ पे ये रॉक अटैक कर रहा है, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। और यहाँ पे हम जीत चुके हैं, और हमें बोल्ड बोल्डर बैच मिल चुका है जो मेक्स पावरफुल मोर इफेक्टिव। $1400 दिए हैं यानी, और TM केस दिया है जिसमें हमें कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ओके, ये सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। फ्लिंट, ओ माय गॉड, ये जो फ्लिंट हैं ये बुढ़े से आदमी, ये ब्रॉक के फादर हैं। मैंने एपिसोड्स में देखा था ये ब्रॉक के फादर थे, और मुझे अभी याद आया। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमारा नाम आता है नहीं आता। तो यहाँ पे ठीक है, ओ यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है। तो सिंपली यहाँ से मैं अपने पॉकीमॉन का सबसे पहले रिवाइव करवाता हूँ जल्दी से जाके, तो जल्दी से बस अब हील करवा के मैं अपने पॉकीमॉन को यहाँ से निकलता हूँ। अब हमें रूट देखना है अपना कहाँ पे जाना है, तो सिंपली मेरे को इस रूट पे जाना है राइट की साइड में, तो बस यहाँ से निकलना है। मैंने हमारा रूट नंबर थ्री पे निकलना है यहाँ से। पहले मैं देख लेता हूँ बाकी सब खाली हो चुका है ना। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सब हमने एक्सप्लोर कर लिया है, तो रूट नंबर थ्री पर चलते हैं अब सिंपली। तो रूट नंबर थ्री है, यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब ट्रेनर्स खड़े हैं, तो ट्रेनर से हमारा मैच भी होगा। तो यहाँ पे मैं अब तो इनके तो 9 लेवल के पॉकीमॉन है, तो इसको मैं आराम से हरा सकता हूँ। सिंपली मैंने हरा दिया इसको भी, ये जीत दे रहा है। दो बार पीजी इसने इस्तेमाल किया और दोनों पीजी मैंने ख़त्म कर दिया। तो सिंपली यहाँ से निकलता हूँ यार इससे मैं, अरे यार मैं फिर उतर गया यहाँ से। चलो कोई नहीं, तो इन्हें रेटाटा, रेटाटा दोस्तों एक तरीके का माउस पॉकीमॉन है और पॉइजन पॉकीमॉन भी है,
और जो ये नीडोरैन है, नीडोरैन एक तरीके का मतलब राइनो पोकेमोन भी समझ लो, इस तरीके का पोकेमोन है ये। और इस यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पोकेमोन के, कैटरपी मैंने देखा है काफ़ी, तो पहली बार भी हमारे पास भी आया था वीडल। दोस्तों यहाँ पे पोकेमोन नए नए नहीं दिखाई दे रहे कोई मेरे को, दो तीन पोकेमोन। तो मैं भी सोच रहा हूँ कुछ पोकेमोन्स मैं भी पकड़ूँ, कुछ अच्छे अच्छे पोकेमोन। और दोस्त अगर एक चीज़ और है इस गेम में, जब हम क्या कहते हैं हमारा पोकेमोन कोई भी पॉइजन होता है तो एकदम से गेम ग्लिच होने लग जाता है, वो दिखाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो कुछ परेशानी की बात नहीं होती, वो सिर्फ हम इतना बताते हैं कि हमारे किसी पोकेमोन को प्रॉब्लम है। तो सिंपली मैं यहाँ से निकलता हूँ, अरे यार इसने ही पोकेमोन इसे मैच कर लिया, तो इसके पास ये पॉइजन पोकेमोन है, सिंपली से मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद अब मैं फिर से इससे मैच कर एकेंस 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 को भी ख़त्म कर दिया। और यहाँ से मैं निकलता हूँ फिर, यार ये बहुत ज़्यादा मतलब ये है जूबैट, जूबैट यार ब्रॉक के पास भी था पहले, जो ब्रॉक के पास पहले उसने रख रखा था जूबैट अपने पास। तो यहाँ पे शायद पोकेमोन मेरे को मिल जाए, तो यार नीडोरैन है मेरे को मिला है, तो नीडोरैन मैं सोचूँ यार पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने बैग्स निकालता हूँ, मेरे पास पोके हाल पोके बॉल पड़ी हैं। तो नीडोरैन यार यस यस हमने नीडोरैन पकड़ लिया है यहाँ पर आराम से। और ये यहाँ अरे यार ये ट्रेनर्स जिगलीफॉफ, दोस्तों ये जिगलीफॉफ एक तरीके का मतलब बहुत ही बेकार का पोकेमोन लगता है मेरे को, कि यार ये सुला देता है और ये पूरे एपिसोड में अभी परेशान करेगा हमें। जिगलीपफ हमें पकड़ना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हमें जिगलीपफ पकड़ना चाहिए था या नहीं चाहिए था। मैंने वैसे किया है, तो जिगलीपफ का वैसे इस्तेमाल मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि जिगलीपफ वैसे सुलाने का पोकेमोन होता है, मैंने ऐसे ही सुना है कि गाना गा के सुझाया था। और स्पीरो तो मुझे बहुत बेकार पोकेमोन लगते हैं यार, मुझे इससे अच्छा तो पीजी पकड़ो। तो मेरे पीजी ऑटो तो है इस टाइम, मैं पीजी नहीं पकड़ूंगा। तो यहाँ पे ये स्पीरो और ये यहीं पर सब यहीं, तो पीजी नहीं लेना मेरे को। तो ये कौन सा, ये रूट नंबर 4 है। और ये क्या हुआ, आहा वाइल्ड जूबैट अटैक, तो ये साइंटिस्ट है इस पर जूबैट अटैक कर रहा है, तो जूबैट से हमारी फाइट होने वाली है। जूबैट शायद मुझे पकड़ना चाहिए, तो जूबैट पे क्षति ऐसी की तैसी। तो मैं यहाँ पे पॉकीमोन चेंज करता हूँ, ये क्या है शिफ्ट, तो यहाँ पे सिंग कर सकते हैं क्या, इट डज नॉट इफेक्ट। अच्छा जूबैट पे सिंग इफेक्ट नहीं करता है, तो सिंपली यार यहाँ पे मेरे को निकलना पड़ेगा अपना पोकेमोन दूसरा। तो बटरफी का इस्तेमाल करते हैं शायद, इसे सुला के मैं फिर उसके बाद अपने आप पकड़ लूँ। तो यहाँ पे यस यस यहाँ पे ये सो चुका है, और मैं अब सिंपली अपनी पोकेबॉल यूज़ करता हूँ, शायद ये हाथ में आ जाए। तो यस हमने यहाँ पे जूबैट को ही पकड़ लिया है। तो यहाँ पे अब देखता हूँ इस रूट पे तो कुछ नहीं है। अब ये है दोस्तों यहाँ पे, अब केव है यहाँ पे, सिंपली मैं मिस्टर एम्प्टी मून टनल एंट्रेंस, दोस्तों एम्प्टी मून टनल एंट्रेंस। तो सबसे आपको पहले मैं दिखा देता हूँ मेरा ऐश का जो प्रोफाइल है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला बैच हो चुका है, टोटल 8 बैच चाहिए हमें, और मैं 5,000 टाइम पे $8 हैं एक तरीके से, जो पॉकीमोन की करेंसी होती है वहाँ की। टाइम चल रहा है 3:21, शाम का टाइम हो चुका है। और पॉकेट डेक्स में हमारे इस टाइम 9 पॉकीमोन हैं, और देखते हैं पॉकेट डेक्स कैसा है हमारा। कुछ तरीके से न्यूमेरिकल ऑर्डर अगर में देखा जाए तो ये तो खैर वही हो गया। तो यहाँ पे ये अर्बन पॉकीमोन्स हैं, सीन और केव पॉकीमोन, फॉरेस्ट पॉकीमोन, तो ये रेटाटार नोडोरेन, ठीक है। तो पॉकेट डेक्स काफ़ी अच्छा है दोस्त, मैंने एक और पॉकीमोन का गेम खेला था, उसमें पॉकेट डेक्स बहुत ज़्यादा रियल और रियलिस्टिक लगता है। तो अगले एपिसोड में दोस्तों यहाँ पे टनल का पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है टनल के अंदर, क्या होने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉकीमोन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगर नेक्स्ट एपिसोड में, ध्यान से यार जरूर देखना। और पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो जय भारत, जय हिंद।